रिज्यूमे तो उन्होंने लिया नहीं है। अच्छा, मोस्टली मैंने इतना ये चीज नोटिस किया है कि जो भी बड़े बड़े ब्रांड है वो ड्रॉप ऑफ रिज्यूमे नहीं लेते। अच्छा, अभी इन्होंने तो मुझे ये दिया है कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर लो। अच्छा, बट वो बात अलग है। अभी जो फ्लेमिंग्स का टोरंटो कैंपस है, जो अभी नया रूल आया है, उसके बाद सितंबर के बाद अलाउ नहीं है उसको, पीजीडब्ल्यू भी नहीं मिलेगा, टोरंटो वाले कैंपस को नहीं मिलेगा। मेन कैंपस को मिलेगा बट टोरंटो वाले को नहीं। नहीं कि अगर वाइट पीपल है तो वो अच्छे से बात करते हैं। अगर तुम इंडियन के पास जाओगे तो वो तुम्हें रेज्यूमे लेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है ले लेते हैं, बस कॉलेज नहीं है, बस वैसे ही। नहीं, ये मेन कॉलेज नहीं है, मेन कॉलेज पीटरबरो में, आई गेस। नहीं, यहाँ पे जो साइड में है। हाँ, ये मेन कैंपस में। अच्छा, हाँ ये मेन कैंपस ही है। सो काफी टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, एंड इट्स लाइक 3 वीक्स मैंने अपलोड नहीं करा कुछ। सो आज बट बिजी, मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही काम हो गए थे, लाइक हैंडलिंग 2 जॉब्स एंड कॉलेज, बहुत ज़्यादा टफ हो गया था मेरे लिए। सो आई कुडंट व्लॉग एनीथिंग बिकॉज बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता था। एनीवेज, आज 9th of February है एंड आज फ्राइडे है एंड इट्स लाइक 1:15 नाउ। एंड अभी मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, ही रीच मी आउट थ्रू कमेंट सेक्शन। उससे मेरे को कमेंट्स में एक मैसेज करा था, आई हैव अराइव्ड इन दिसंबर एंड ऑल। सो अभी मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, वो ब्रैम्पटन साइड रहता है अपने सिस्टर के साथ। सो आज उससे मिलते हैं एंड वो फ्लेमिंग कॉलेज में। सो उसकी क्लास 6 बजे है, तो आपको आज फ्लेमिंग कॉलेज भी दिखा दूंगा एंड आई विल लेट यू नो जॉब्स का क्या सीन चल रहा है ब्रैम्पटन के अंदर। आई थिंक उसको नहीं मिली अभी तक, सो आई कैन हेल्प हिम विद हिज जॉब वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज। Hi Kent, how are you? Hi everyone, so he's Omkar and he connected me through his YouTube video. So usne mere ek YouTube video dekhi thi, puri dekhi thi and uske baad usne mujhe message kara tha. And so he's living in Brampton right now with his sister. And अभी ये दिसंबर में आया था, so अभी तो जॉब नहीं मिली है, but we are trying. So अभी जहाँ पर मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ प्रेटा मोहन से, तो वहाँ पर हमने रिज्यूमे ड्रॉप ऑफ कर दिया, मैनेजर से बात कर ली थी। सो अभी देखते हैं, अगर वो हायर करेगा तो प्रेफरेंस ओमकार भाई को ही मिलेगी। बाकी आप बताओ सर, कैसा लगा आपको और आप क्या क्या करके आए इंडिया? तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बताता हूँ। तब ऑलमोस्ट मुझे, मैं दिसंबर में आया, दो तीन महीने से कंटिन्यूस अप्लाई कर रहा हूँ, ड्रॉप स्टोर टू स्टोर रिज्यूमे डालना, जो भी जितने भी। इसका चैनल भी मैंने उसी के लिए देखा था कि कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए कि अप्लाई का करना है कैसे करना है। सेम जितना है मैंने सब छान मारा है, टोरंटो में रिज्यूमे डाले हैं, मिसिसागा में रिज्यूमे डाले हैं, ब्रैम्पटन में रिज्यूमे डाले हैं, अभी तक तो कुछ सही, कहीं से रिप्लाई तक नहीं आया। इंटरव्यू तो छोड़ो, रिप्लाई तक नहीं आया। रिप्लाई आता है वो भी रिजेक्शन में, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ है? जीमेल पे हाँ, वगैरह एग्जैक्टली उस पर जो भी आता है रिजेक्शन आता है, बाकी उसके अलावा अभी तक किसी से इंटरव्यू तो हुआ नहीं है। जॉब फेयर स्टार्ट हुए हैं अभी, जो कि टोरंटो मिसिसागा में है, बन रहे हैं जॉब फेयर, बट वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करते। वो इधर तुम्हें बोलेंगे कि तुम वर्क परमिट पे हो या फिर जो वर्क वीज़ा पे है, उन्हें प्रेफर करते हैं। मोस्टली फुल टाइमर को प्रेफर करेंगे फॉर नाउ। देखते धीरे धीरे, अभी समर चालू होगा तो जॉब्स बढ़ सकते हैं, लेट्स होप बढ़ेंगे। सारी यही बोलते हैं कि समर में हायरिंग हो जाती है। एग्जैक्टली, समर में बोलते हैं हायरिंग होती है, कि विंटर में वैसे भी बिजनेस बंद पड़े होते हैं आगे, तो उसमें मिलना मुश्किल है। देखते हैं आगे मिला तो। ये तो सब जॉब का, बाकी कॉलेज का तो यहाँ पे कुछ सीन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा कॉलेज है फ्लेमिंग टोरंटो, टोरंटो वाला कैंपस है। इसके बाद हम कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज भी एक बार दिखा दूँगा। हाँ, इसके बाद कॉलेज का एक टूर ले लेंगे हम। इतना बड़ा है नहीं, मुश्किल से 2 फ्लोर है, 2 बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग भी नहीं है, 2 फ्लोर है उसमें। बट फ्लेमिंग्स का ये
ये अच्छी चीज़ है कि सिर्फ 3 दिन क्लास है, 1 दिन ऑनलाइन 2 दिन ऑफलाइन, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। और वहाँ पे अटेंडेंस का भी कोई सीन नहीं, स्टार्टिंग में तुम्हें जाएंगे तुम्हें डराएंगे कि अटेंडेंस चाहिए चाहिए, बट कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो आराम से, शिफ्टें लगा सकते हो, तुम्हें शिफ्ट जो भी मिलेगी वो सही बात, अगर लगानी है शिफ्टें तो शिफ्ट लगा सकते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें उसी के लिए आना है, पीआर तुम्हारा पर्पज़ है, स्टडी पर्पज़ नहीं है, तो फ्लेमिंग्स चूज करो। बट वो बात अलग है, अभी जो फ्लेमिंग्स का टोरंटो कैंपस है, जो अभी नया रूल आया है, उसके बाद सितंबर के बाद अलाउ नहीं है उसको, पीजीडब्ल्यू नहीं मिलेगा, टोरंटो वाले कैंपस को नहीं मिलेगा, मेन कैंपस को मिलेगा बट टोरंटो वाले को नहीं मिलेगा, बाकी कॉलेज का तो सही है। और एंड ओमकार का एक बेस्ट पार्ट था कि अपने सिस्टर के साथ रह रहे हैं, तो इनको रेंट की दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में, एंड जीएससी सेव हो रही है, अभी तो सेव हो रही है, ऑब्वियसली जीएससी बच रही है, क्योंकि खाने का भी खर्चा नहीं है। एंड तो अगर आपको कोई रिलेटिव है यहाँ पे तो बेस्ट पार्ट है आपके लिए, बट अगर नहीं है तो मेक श्योर कि अगर आप, जैसे इन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट कर लिया, आई कैन हेल्प हिम गेट अ प्लेस टू स्टे फॉर लाइक $500 जो मिनिमम होता है टोरंटो का, मतलब टोरंटो में वैसे ज़्यादा होता है प्राइसेस, बट आई कैन हेल्प हिम थ्रू माई फ्रेंड्स जो 500 में रह रहे हों, उनके साथ में शिफ्ट करवा सकता हूँ। सो मेक श्योर आप किसी न किसी को कॉन्टेक्ट कर लो आने से पहले, दैट्स मोस्टली इट। एग्जैक्टली, सबसे बेस्ट वही है कि जितना तुम नेटवर्क कर सकते हो उतना। अब जैसे इसके वजह से मैंने रिज्यूमे ड्रॉप ऑफ किया है, लेट्स होप कि उसका पॉजिटिव रिप्लाई आए। सब कैनेडा में उतरती तुम जितने लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो उतना कॉन्टैक्ट करो, घर पे बैठना ही नहीं है, जो तुमने इंडिया में किया है आराम से वो इंडिया में छोड़ के आ, यहाँ पे घर पे बैठना ही नहीं है। पहले दिन आते ही तुम्हें घूमना है, घूमना इन अ सेंस तुम्हें स्टोर टू स्टोर जाना है, तुम्हें नए दोस्तों से मिलना है, तुम जितना कर सकते हो करना है। तुम्हें अगर एनजाइटी बात करने के लिए तो वो छोड़ के आओ, वो तुम्हें नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर तुम्हें एक्चुअल में यहाँ पे है, लाइफ अच्छी है, बट अनलेस एंड अंटिल तुम स्टार्टिंग डेज में स्ट्रगल नहीं करोगे, आगे एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें आगे से कोई आएगा, तो जो भी है तुम्हें खुद से करना है और आके घूमना है। कल की बात बताता हूँ मैं अपना एक यहाँ पे लैब था ना उसका ऐप से फैन शो या तो फैन शो के पास था। सो आई वाज जस्ट हैविंग कॉफ़ी, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ नॉर्मली, एंड आई वाज लाइक ऑन माय फोन, सो रैंडमली लाइक इंडियंस ही अपने आते हैं मेरे पास, एंड दे रैंडमली आस्क मी कि कोई जॉब है तो बता दो, इतनी बेस्ट चीज़ है उसकी, लाइक उसको पता भी नहीं कि मेरे पास जॉब है नहीं, उसने सिर्फ डायरेक्टली यार पूछा कैसे हो आप, मैंने कहा बहुत बढ़िया, कह रहे अगर आपके पास कोई जॉब है तो बता दो जहाँ पे हायरिंग हो रही हो। सो आई टोल्ड हिम कि जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ क्रेटा मॉल से, वहाँ पे आके रिज्यूमे ड्रॉप ऑफ कर सकता है, अगर मैं वहाँ पे हुआ तो मैं मैनेजर से तेरी साफ साफ बात करवा दूँगा कि ही इज़ द मैनेजर एंड दिस गाय इज़ माई फ्रेंड, सो इफ़ यू आर हायरिंग प्लीज चूज हिम। अभी मैंने मैनेजर को यही कहा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड टाइप है, एंड अगर आप हायर कर रहे हो प्लीज़ तो इसे चूज करो। सो इट्स द बेस्ट थिंग जितने ज़्यादा लोगों से बात कर सको, एंड कोई भी हो, ऐसा नहीं कि आपका दोस्त ही हो, या फिर जैसे मैं यूट्यूब पर मिल गया, आप मुझे ही मैसेज कर दो, अगर आप नेक्स्ट इनटेक में आ रहे हो यू कैन टेक्स्ट मी, तब मैं आपको और हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि जॉब ज़्यादा होंगे उस टाइम। एग्जैक्टली, तो रेफरेंस से ही बेस्ट है सबसे, रेफरेंस से ही बेस्ट है, हाँ, क्योंकि रिज्यूमे ड्रॉप ऑफ करने से कुछ नहीं है। मैंने भी ड्रॉप ऑफ करते तो मुझे मिला ही था, लकीली मुझे इंडीड से मिल गई थी, इंडीड से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? इंडीड से सेम रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन तुम कितना भी दिन में, बट ऐसे नहीं कि अप्लाई करना ही नहीं है, अप्लाई करना है बट सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठना, तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा, बाहर निकले बिना होगा ही नहीं। घर पे जब भी बैठोगे तब अप्लाई करना है, जब भी घर से बाहर निकलोगे अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई करना है, ये है जॉब मिले तो बस अप्लाई करो, बस करते रहो, स्टोर में जाओ, मैनेजर से बात करो, जो भी फ्रंट डेस्क पे उससे बात करो, बस वही सोल्यूशन है, उसके अलावा कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स है ही नहीं, यही है बस। ये जॉब्स की मेन दिक्कत आती है सबको, बाकी रहने का तो सारे कर ही लेते हैं, पैसे भी मोस्टली सेव कर ही लेते हैं लोग। तो जो ये सामने पब्लिक ईटरी है, लोकल पब्लिक ईटरी, मैं वैसे एक दिन वैसे ही अपनी जॉब से वापस आ रहा था, सो आई रेड दैट दे आर गोइंग टू ओपन ऑन 1st of February, सो मोस्ट प्रोबेबली दे हायर कर रहे होंगे अभी, तो वहाँ जाते हैं अभी, अपना रिज्यूमे ड्रॉप ऑफ करते हैं ओमकार भाई का, एंड देखते हैं वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ से एंट्री
Hi. How are you guys? You guys recently opened, right? Hi. So, क्या कहा उन्होंने ओंकार? क्या कहा उन्होंने? अभी तो उन्होंने बोला है कि रेज्यूमे तो उन्होंने लिया नहीं है. अच्छा. मोस्टली मैंने इतना ये चीज नोटिस किया है कि जो भी बड़े बड़े ब्रांड है वो ड्रॉप ऑफ रेज्यूमे नहीं लेते. अच्छा. अभी इन्होंने तो मुझे ये दिया है कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर लो. अच्छा. तुम भी देख लो, यहाँ पे स्कैन कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो. अभी रिसेंटली इन्होंने खोला है. हाँ, फर्स्ट फरवरी को ओपन हुआ है. हाँ, तो देखते यहाँ पे ओपनिंग है तो ऑनलाइन अप्लाई करूंगा. रेज्यूमे तो लिया नहीं उन्होंने, लेके तो गया था मैं. बट ये मैंने अच्छी चीज जानी है कि अगर वाइट पीपल है तो वो अच्छे से बात करते हैं. अगर तुम इंडियन के पास जाओगे तो वो तुम्हें रेज्यूमे लेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है ले लेते हैं बस, ये एक्चुअल में तुमसे अच्छे से बात करेंगे. सो ऐसा ट्राई करो कि कोई वाइट पीपल के पास जाओ जिनका बिजनेस है, वो तुम्हें एक्चुअली ट्रीट भी अच्छे करते हैं. रिगल भाई, भाई वो फेस देखो यार, जो फेस है ना ये ना, मतलब 1D है ये, बट ऐसा लगता है 3D है, मतलब बहुत पतला है. ये हम कौन से कॉलेज में भाई साहब? फ्लेमिंग्स. और आपका कोर्स कौन सा है? IBM. IBM? अच्छा, तो ये मेन कॉलेज नहीं है बस वैसे ही? नहीं, ये मेन कॉलेज नहीं है, ये मेन कॉलेज पीटरबरो में, आई गेस. नहीं, यहाँ पे जो साइड में है. हाँ, ये मेन कैंपस में. अच्छा, हाँ ये मेन कैंपस नहीं है. सो किस साइड है क्लास? क्लास है. अच्छा, से आपकी क्लास है? ये सीटिंग एरिया है क्या? कैफेटेरिया. अच्छा, बेंच बहुत छोटा है? नहीं है बहुत. दैट्स इट? दैट्स इट. ये कॉलेज था बस? ये कॉलेज है. ओह, आपकी क्लास कौन सी है? हाँ बिल्कुल. So this is your class, right? Yeah. Oh, hello guys. Thank you so much. Bye bye. Have a nice class. बाद में realize हुआ कि कल जब मैं outro shoot कर रहा था वो record तो हुई नहीं. So अभी बता देता हूँ, like outro shoot कर लेते हैं. इन माई पर्सनल ओपिनियन मुझे फ्लेमिंग कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. इट वॉज लाइक कुछ भी नहीं था वहाँ पर, बस एक फ्लोर था कॉलेज का एंड दैट्स इट. सो अब उसको PGWP भी नहीं मिल रहा. सो अगर आप फ्लेमिंग टोरंटो वाला सिलेक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो आने की, तो उसमें एडमिशन लेने की, तो मत ही लें तो बेटर रहेगा. ये था, दैट्स मोस्टली इट. थैंक यू सो मच.